विराट कोहली ने ना कल रन नहीं किए, विराट कोहली ने कल वो याद दिलवाया जो विराट कोहली ने 82 स्कोर किया था बाबर आजम घंटे के खिलाफ। हमें भी पता ना भाई जान, विराट कोहली ने वो वाली इनिंग्स खेली है, रन भी वही थे 82 नॉट आउट ले लो वो वाली इनिंग्स ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो मोहाली में 16 में, कल वही इनिंग विराट कोहली ने फिर खेली है। विराट कोहली जब भी चलते हैं मैच जिताते हैं, घंटे की तरह नहीं है, अगर जब भी चलता है अपने लिए ही चलता है। पाकिस्तान में कल रात का विराट कोहली ट्रेनिंग करा, अक्षर बत्तर की बात कर लो आप, रमीज राजा की बात कर लो, जितने भी पाकिस्तान का क्रिकेटर है, और भाई सबने विराट कोहली के सीरीज को प्रेस किया, सबने विराट कोहली के सीरीज को अच्छे तरीके से किया, वो अच्छे अच्छे लफ्ज यूज किए हैं। और देखिए उनके मुंह जो बना चुके हैं हमारे विराट कोहली ने जो बकवास करे थे बैठ के कि विराट कोहली तो खत्म हो गया, विराट कोहली टी ट्वेंटी का मटीरियल नहीं है, ये करो वो करो, हमेशा विराट कोहली को चलता है। किसी में इतना दमखम है इस एज में ये वाली फिटनेस मेंटेन करना, इतनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, 15 साल से वो कंसिस्टेंट हर फल ले, आईपीएल ले लो, टी20 इंटरनेशनल, वनडे टेस्ट, इतना कंसिस्टेंट प्लेयर किसी का बाब एम के बता देना है, इतना कंसिस्टेंट प्लेयर कि जब विराट कोहली आपसे बात करेगा तो उसको मैं अहमद में करें। किंग कोहली ने आज जोफ्रा आर्चर, हाँ आपको जिस तरह उसके बैटल, लेकिन जोफ्रा आर्चर बैटल जो है वो जोफ्रा आर्चर वर्सेस कोहली की जो है वो चारों शाने चित विराट कोहली जीत गया और पटक पटक के धोखे पटके मारे, क्या निकल। तो वंस अगेन वी हैव सीन व्हाट विराट कोहली कैन डू, बहुत अच्छी फॉर्म में लगा। और आपसे दो बातें अर्ज की थी जब हम टीमों को रिव्यू कर रहे थे कि विराट कोहली 500 से ज्यादा रन करेगा, वो तो खैर आज ही काफी सारे। विराट कोहली ने कल जो वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की दुलाई की थी उसकी याद ताजा करवा दी, और क्या कमाल की जो है बैटिंग की है विराट कोहली ने, 49 बॉलों पे 82 स्कोर, 6 चौके 5 छक्के और एक मैच विनिंग जो पारी के लिए है, और ये दिखा दिया सबको कि उनको चेज मास्टर क्यों कहा जाता है। और यार अगर देखा जाए तो विराट कोहली यार कौन सा ऐसा काम है जो ये बंदा नहीं कर सकता है। लास्ट 7 मंथ में इसने जो है दुनिया के 3 बेहतरीन पेसर्स की दुलाई कर दी है, जिनमें जोफ्रा आर्चर आगे, शाहीन अफरीदी आगे और हारिस राउत की कौन बोल सकता है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि बेस्ट पेस हिटर जो है विराट कोहली को आप कह सकते हैं। और लाजवाब किस्म का खेले हैं कल 82 स्कोर के साथ, ऐसा लग रहा है कि इनकी कोई बड़ी स्ट्रॉन्ग जो है लव स्टोरी है। हमने देखा 2016 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 82 स्कोर बना के चेस किया, फिर जो है वो वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान जो है वो चेस कर दिया 82 स्कोर बना के, ऐसा मैच जो कि ऐसा लग रहा था कि इंडिया की टीम हार जाएगी, पाकिस्तान में जश्न बन चुका था कि भाई इंडिया हारने लगा है, शोएब अख्तर ने जो है अपनी बांगियां मार ली थी, उसके बाद विराट कोहली ने वहां पर एक अनबिलीवेबल इनिंग्स खेल के 82 स्कोर बना के वहां पर पाकिस्तान की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया और वो मैच आधा हुआ मैच जो इंडिया को जितवा दिया। अब अगर देखा जाए तो कल आरसीबी और मुंबई इंडियंस का मैच था, 171 चेस करना था और विराट कोहली ने क्या कमाल की बैटिंग की और आखिरी छक्का लगा के जो ये स्कोर भी चेस कर लिया और लाजवाब किस्म की बैटिंग की है। एक ऐसा आप कह सकते हैं कि विराट कोहली वो जो अपनी पीक पर थे ना वैसा कोहली वापस आ चुका है, और ऐसी हिटिंग मैंने बड़े अरसे से विराट कोहली की जन्म से नहीं देखी थी कि बॉल की पिटाई भी कर दो और बॉल को भी पता ना चले, और क्या कमाल की शॉट्स। जोफ्रा आर्चर की बात करें तो जोफ्रा आर्चर के हवाले से बड़ी बातें हो रही थी कि भाई आर्चर आ रहे हैं जी, देखेंगे कोहली आर्चर को कैसे खेलेंगे, मारेंगे नहीं मारेंगे, लेकिन कल विराट कोहली ने जोफ्रा आर्चर की बहुत ज्यादा दुलाई कर दी है और विराट कोहली दुनिया के पहले जो है वो बल्लेबाज बन गए हैं जिनने जोफ्रा आर्चर को आईपीएल में इतनी ज्यादा उसकी दुलाई की है। और देखें तो इससे पहले केएल राहुल ने जोफ्रा आर्चर को 2018 में जो है वो 14 बॉलों पे 27 स्कोर बनाए हुए थे और विराट कोहली ने 17 बॉलों पे 28 बना के ये रिकॉर्ड जो है वो जोफ्रा आर्चर के खिलाफ अपना अपने नाम कर लिया, सबसे ज्यादा उसके खिलाफ स्कोर बनाया। और लाजवाब खेले विदाउट एनी शेडो ऑफ डाउट जो ये लग रहा है कि ये जो सीजन है ये आरसीबी के लिए रहने वाला है और विराट कोहली इसके हाईएस्ट रन स्कोरर होने वाले हैं, और कोहली ने ये अक्सर साबित किया। तो मैं कह रहा था कि यार मुझे तो कल जो वही पाकिस्तान वाला मैच याद आ गया, वही दुलाई याद आ गई जैसे हारिस राउत को छक्के लगाए थे, शाहीन अफरीदी को छक्के लगाए थे, तो मुझे वो सारा सीन याद आ गया। बहरहाल मैं भी आपकी तरफ जाऊँ आरसीबीएन हूँ और मैं भी वेट कर रहा था कि कब विराट कोहली के बल्ले से ऐसी जो इनिंग्स आएगी और आज आखिरकार देखने को मिली और लाजवाब खेले विराट। ब्रेक किया मतलब वो जो एक बैट रन जो चल रहा था जो बड़े स्पोर्ट्स में मिलते हैं व्हाइट बॉल क्रिकेट में, खासकर जब से उसने रन ब्रेक किया है अब जो इनिंग्स खेलता है जब भी वो मतलब इनिंग्स खेल रहा है यू कैन सी दैट टच ऑफ क्लास इन हिज बैटिंग, और आज उसने बिल्कुल ही मन के रख दिया, मतलब इट वाज बिकॉज ऑफ हिम एंड डुप्लेसी के बिल्कुल भी नहीं जाफरी आर्चर एक इंपैक्ट नहीं छोड़ पाया मैच में, जैसे कल माकवुड ने छोड़ा था, माकवुड ने कल उड़ा के रख दिया था बिल्कुल जो है दिल्ली को 5 विकेट लेकर, लेकिन हालांकि आर्चर इज एज फास्ट एज माकवुड, इमरान मलिक वाज प्लेइंग फॉर समय हैदराबाद इन द फर्स्ट मैच ही आल्सो एज फास्ट, लेकिन जो इंपैक्ट वुड ने छोड़ा वो आज इमरान मलिक और आर्चर नहीं कैसे बोले छोड़ पाए। रीजन वाज कि कोहली वाज इन हिज बेस्ट फॉर्म, यार एक बंदा मतलब नॉट आउट आ रहा है लास्ट बॉल पे छक्का वो मार रहा है और उसके बाद 5 छक्के 6 चौके, मतलब ही रियली एंटरटेन द क्राउड। अब सबसे बड़ी चीज ये थी कि देखिए आज जो आरसीबी जो जीत
विराट कोहली के 82 रन और सीबी के जीत के बाद झूम उठा पूरा पाकिस्तान। जिस तरह से विराट कोहली ने कल इनिंग खेली, यह इनिंग पाकिस्तान के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप में खेला गया इनिंग जैसा था। विराट कोहली हमेशा अपने टीम के लिए खेलता है दोस्तों, ये पाकिस्तानी मीडिया का कहना है। तो दोस्तों, क्या आरसीबी टीम इस बार टाइटल जीतेगी कि नहीं, अपनी कीमती राय देना मत भूलें।